अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल गॉड गिफ्टेड। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं जो आप वीडियो लेकर आई हूँ वो जो बचे हुए पीसीस से निकल शर्ट बनाने का है तरीका, उसकी मैं आपको कटिंग बताऊँगी कि अक्सर हमारे पीस बच जाते हैं, जेंट्स में भी बच जाते हैं, लेडीज़ के भी बच जाते हैं। उसमें से जो एक्स्ट्रा पीसीस होते हैं उनको हम गर्मी के लिहाज से निकल शर्ट बनाएंगे। मेरा मैंने पहले भी एक स्टिच की हुई है, इसलिए हाथ से मैं दूसरी बना रही हूँ। इसकी लेंथ में जो रिक्वायर्ड है वो 12 इंच है, 12 मैक्सिमम 14 इंच है, तो हम 2 इंच बढ़ाकर हमने इसकी लेंथ ले ली 16 इंच। इसके बाद हम इसकी चौड़ाई देखेंगे। ये हमारी है 11 इंच, तो फिटिंग से हम 1 इंच बढ़ाएंगे। तो मैंने निशान लगा लिया है 16 इंच का, 11 इंच है, तो हमने तकरीबन 12.5 इंच ले लिया है। इसको हम कट करेंगे। तो मैं पहले बैक का कट कर रही हूँ, फ्रंट का हमारा 1.5 इंच ज़्यादा होगा। ये देखें, इसको मैंने पहले तय लगा ली थी 1.5 इंच, मैंने इसका एक्स्ट्रा रख लिया था, जो फ्रंट ओपन होगा वो हम इसका एक्स्ट्रा रखेंगे। इसके बाद हम इसको ओवरलैप कर लेंगे, बिल्कुल बराबर आया हमारा। इसके बाद हम इसका मेजरमेंट करेंगे, 9 इंच है तो हम इसको 1 इंच बढ़ा के रखेंगे 10 इंच, 10 का हाफ कितना है 5 इंच, क्योंकि हमारा कपड़ा ये ओवरलैप है, डबल किया हुआ, तो हम इसका 5 इंच यहाँ से तीरा रखेंगे। इसका मोंडा छोटे बच्चों का थोड़ा खुला ही होता है, तो 5.5 इंच हम इसका मोंडा रखेंगे। उसके बाद इसकी जो वेस्ट है आप अपने नाप के मुताबिक भी रख सकते हैं। मेरा जो बेबी है वो 7 मंथ का है, तो मैं उस लिहाज से उसका नाप रख रही हूँ, 11.5 इंच है, 11.5 इंच को हम हाफ कर लेंगे। तो आसान मेथड से आपको बता देती हूँ, 11.5 को हम हाफ करेंगे, तो जो हमारा मेजरमेंट आएगा वो हम रख देंगे, 6 इंच से 2 पॉइंट कम रखेंगे। सेम नाप नीचे से भी हम रख के इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। जेंट्स में भी और बच्चों में भी कोई ख़ास कपड़ा अंदर नहीं रखते, क्योंकि वो थोड़े लूज ही होते हैं। इसके बाद इसकी राउंड कटिंग कर देंगे। हल्का सा तीने की भी कटिंग कर देंगे, तिरछा कटिंग करेंगे। इसके बाद मैं जो इसको हाई नेक नहीं लगाऊंगी, ना कॉलर लगाऊंगी। अगर आपने लगानी होगी कॉलर, अगर आप लगाएं तो बगैर फ्यूजिंग के लगाएं, क्योंकि बच्चों के लिए वो हार्ड हो जाती है, तो वो इरिटेट होते हैं। तो मैं हाई नेक और कॉलर नहीं लगाऊंगी, मैं सिंपल सी पाइपिंग जैसी इसको लगाई है वही लगाऊंगी। 1.5 इंच चौड़ाई रखकर और हल्की से पीछे 1 इंच की गहराई कर लेंगे बैक की। ये पहले हम बैक का कटिंग करेंगे। अगर आप हाई नेक या कॉलर लगाएंगे तो आप बैक की इतनी ज़्यादा डीप कटिंग नहीं करेंगे, वो सिर्फ 1/2 इंच करेंगे। उसके बाद हम फ्रंट के नेक की कटिंग करेंगे, वही हमने 1.5 इंच का निशान लगाया चौड़ाई में और लंबाई में 3 इंच रख दिया, और इसकी राउंड कट कर देंगे।
ये हमारी कटिंग तैयार हो रही है। सर जेंट्स के जो कपड़े स्टिच करते हैं दर्जी के पास बहुत ज़्यादा पीस बच जाता है, इससे आराम से आपका स्टिच हो जाएगा। बाजू कट करेंगे, अब हम इसके बाजू कट करेंगे। इसकी लेंथ जो मैंने ली है वो 5 इंच है, आगे से जो बाजू खुलने हैं वो 3.5 इंच है। वो निशान लगाकर हमने 5 इंच का मोड़ा रखा था, 5.5 इंच के मिले। इसको हम आपस में ज्वाइन करके इसकी कटिंग कर देंगे। इसको आप स्टिच करते वक्त कोई भी कंट्रास्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके साथ ब्लैक का कंट्रास्ट यूज़ करूँगी, आप अपनी मर्जी से चॉइस से यूज़ कर सकते हैं। ये देखें हमारे बाजू कट हो गए, अब हम इसकी निकर कट करेंगे, दरमियान में कट लगा लेंगे छोटा सा। निकर है, निकर की जो लेंथ मैंने ली है वो 11 इंच तैयार थी, इसलिए मैंने 13 इंच लिया है। और जितना खुला हमने रखना है 7.5 इंच है। जो 5 इंच खुला रखेंगे वो 5 इंच है, और आसन इसका जो हमारे तैयार है वो 7.5 इंच है। तो ऊपर इलास्टिक के लिए हमने 1.5 इंच छोड़ा है, 9 इंच फिर हम निशान लगा के इसका 5 इंच कट कर देंगे। निकल की सिंपल सी कटिंग है बस, इसकी और कटिंग निकल की नहीं है। देखिए ये हमारी निकल आ गई, ये हमारे बाजू है और ये हमारी शर्ट है। मैं इसका कॉलर या हाई नेक नहीं लगाऊंगी, इसलिए मैं इसकी पाइपिंग ब्लैक से ही लूँगी। आप अपनी मर्जी से जो आपको सूट हो सेम अगर लगाना चाहें सेम लगा सकते हैं, कंट्रास्ट करना चाहें तो कंट्रास्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर आ सके। मेरे ब्लॉग में याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।